Hello, bacho. Let's see the question. The question says that what causes the first quarrel between Lomov and Natalia? Or what was Oxenmedo's? Why did Lomov and Natalia quarrel over it? Lomov और Natalia के बीच जो पहली लड़ाई हुई उसका कारण क्या था? या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि Oxenmedo's क्या है और Lomov और Natalia उसके ऊपर लड़ाई क्यों करते हैं? Let's understand the key concept. The first quarrel, पहली लड़ाई. Lomov's rigmaroling about his land earnings and particularly his statement that his inherited piece of land, Oxenmedo, touched Chubukov's birch woods, is the cause of the first quarrel between Lomov and Natalia. Lomov और Natalia के बीच जो पहली लड़ाई हुई उसका कारण क्या था कि Lomov rigmaroling. Rigmaroling का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं. तो वो एक्सप्लेन करता है अपनी लैंड अर्निंग्स के बारे में कि मेरे पास कौन कौन सी ज़मीन है, मेरे पास कौन सी ज़मीन जायदाद है. और ख़ास तौर से जब वो कहता है कि Oxenmedo उसका है जो उसने इनहेरिट किया, यानी कि उसके दादा परदादा उसके लिए छोड़ के गए हैं. और Oxenmedo टच करता है किसको? Chubukov के बर्च वुड्स, यानी Chubukov की भी कोई ज़मीन होगी जिसका नाम बर्च वुड्स था. तो वो कहता है कि Oxenmedo मेरा है और वो Chubukov की ज़मीन को टच करता है. तो ये मेन कारण था Lomov का ये कहना कि Oxenmedo मेरा इनहेरिटेड पीस ऑफ लैंड है. ये उनकी पहली लड़ाई का कारण था. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.